पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर क्या है? एशियन पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर आपकी बाहरी लकड़ी की सतहों के लिए एक रखरखाव रहित 3-pack पॉलिएस्टर आधारित वुड फिनिश सिस्टम है, जो आपकी लकड़ी की सतह को सबसे शानदार कांच जैसी चमक प्रदान करता है और उसी समय आपके फर्नीचर को एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस प्रदान करता है। इसकी फिनिशिंग एकदम पारदर्शी होती है, लेकिन बेस में रंग मिलाकर सफेद, काला, नीला, लाल इत्यादि तरह तरह के शेड्स प्राप्त किए जा सकते हैं। एशियन पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर एशियन पेंट्स द्वारा भारत में इंपोर्ट किए जाने से पहले इटली में बनता और पैक होता है। प्रोडक्ट की विशेषताएं। उच्च चमक प्रतिधारण। एशियन पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर का उच्च चमक प्रतिधारण गुण सुनिश्चित करता है कि फर्नीचर पेंटिंग के सालों बाद भी चमकता रहता है। शून्य रखरखाव। एशियन पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर अपने बेजोड़ ताप प्रतिरोध, उच्च दाग प्रतिधारण और उत्कृष्ट खरोंच प्रतिधारण के कारण एक शून्य रखरखाव फिनिश है। एकदम सच्चा प्रतिबिंब। एशियन पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर लकड़ी की सतहों को ऐसा बना देता है कि वो एक दर्पण जैसा प्रतिबिंब प्रदान करने लगते हैं और उनकी मोटाई कांच जितनी होती है, जिससे ग्रेन पैटर्न्स काफी खूबसूरत दिखते हैं। कठोरता। एशियन पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर वुड फिनिश कैटेगरी में सर्वोत्तम कठोरता प्रदान करता है। तकनीकी विवरण। कवरेज। कवरेज दर लगभग 4 से 10 वर्ग फुट प्रति लीटर है। ये आवश्यक कोट की संख्या और मोटाई पर बहुत ज्यादा निर्भरशील होता है। लगाने का तरीका। स्प्रिंग। सूखने का समय, टैंक फ्री समय 2.5 घंटे, रीकोटिंग समय, इंसुलेटर के लिए 8 घंटे, बेस कोट और वुड टेक पॉलिएस्टर टॉप कोट के लिए 5 से 15 मिनट, रीकोटिंग समय, तापमान, नमी और बेस में मिलाए जाने वाले एक्सेलरेटर और कैटलिस्ट की मात्रा पर बहुत ज्यादा निर्भरशील होता है। मिश्रण अनुपात। एशियन पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर इंसुलेटर और हार्डनर के साथ वजन के आधार पर 1:1 के अनुपात में मिलाएं। एशियन पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर बेस को कैटलिस्ट और एक्सेलरेटर के साथ वजन के आधार पर 100:2:2 के अनुपात में मिलाएं। मिश्रण के पॉट लाइफ को अधिकतम बनाने के लिए ये सुझाव दिया जाता है कि आप मिलाए जाने वाले बेस को बराबर परिमाण के 2 पात्रों में डालें। एक पात्र में आवश्यक परिमाण में एक्सेलरेटर और दूसरे में कैटलिस्ट डालकर अच्छी तरह हिलाएं। इससे 3 घटकों को लगाने से पहले एक दूसरे से अलग रखने में मदद मिलती है। लगाने से ठीक पहले दोनों पात्रों में से बराबर बराबर परिमाण में घटकों को लेकर एक तीसरे पात्र में वांछित परिमाण में मिलाएं। जब 3 घटक एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और परिपक्वता के लिए कोई समय नहीं होता, तो उन्हें तुरंत लगाना पड़ता है। परिपक्वता समय। ग्लॉस लेवल। बफिंग क्रिया के बाद कम से कम 95%। लगाने की प्रक्रिया। लगाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपने आवश्यक सुरक्षा उपकरण पहन रखे हैं। सबसे पहले सैंड पेपर 180 से सैंडिंग करके लकड़ी की सतह को साफ कर लें। वुड टेक पॉलिएस्टर इंसुलेटर और हार्डनर के साथ वजन के आधार पर 1:1 के अनुपात में मिलाएं। और स्प्रेइंग द्वारा सतह पर मिश्रण का 1 कोट लगाएं। आठ घंटे तक सूखने दें। सैंड पेपर 320 और 400 से कोटेड सतह की हल्की हल्की सैंडिंग करें।
अब एशियन पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर बेस को एक्सेलरेटर और कैटलिस्ट के साथ वजन के आधार पर 100:2:2 के अनुपात में मिलाएं। सबसे पहले बेस को एक्सेलरेटर के साथ मिलाएं और अच्छी तरह हिलाएं। उसके बाद लगाने से ठीक पहले कैटलिस्ट डालें। प्रत्येक कोट के बीच में 5 से 10 मिनट के अंतराल के साथ गीली सतह पर मिश्रण के 6 से 8 कोट का स्प्रे करें। डिपोजिशन को मापने के लिए गीले फिल्म की मोटाई को मापने वाले मेजरिंग टूल का इस्तेमाल करें। जब पेंट उंगली से नहीं चिपकता है लेकिन फिर भी चिपचिपा और रबड़ जैसा होता है, तभी रीकोटिंग करनी चाहिए। अंतिम कोट लगाने के बाद सतह को बफिंग करने से पहले 24 से 48 घंटों तक इसे सूखने के लिए छोड़ दें। बफिंग प्रक्रिया। वास्तविक बफिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले कोटिंग से पैराफिन की मोम पात्र को हटाने के लिए और एक चिकनी सतह पाने के लिए सैंड पेपर 220 से सूखी कोटेड सतह को सैंड करें। उसके बाद सैंड पेपर 400 से सतह की सैंडिंग करें। सभी खरोंचों को हटाने के लिए एक के बाद एक सैंड पेपर 600, 1000, 1200, 1500 और अंत में 2000 से सतह की गीली सैंडिंग करें। हर बार ढीली रेत को हटाने के लिए पोंछ कर साफ करना ना भूलें। अब वास्तविक बफिंग प्रक्रिया शुरू करें। इस प्रक्रिया में हम लोग 3 प्रकार के बफिंग पैड्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सतह को बफिंग सोप से बफ करने के लिए ट्विस्टेड वूल पैड का इस्तेमाल करें। उसके बाद स्ट्रेट वूल पैड का इस्तेमाल करके रबिंग कंपाउंड से सतह को बफ करें। इसके बाद वैक्सिंग क्रीम और स्ट्रेट वूल पैड का इस्तेमाल करें। अंत में एक शानदार चमक पाने के लिए एक फ्लैनल के कपड़े से सतह को रगड़ें। कंपिटेटर प्रोडक्ट के साथ तुलना। एशियन पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर बनाम कंपिटेटर प्रोडक्ट। ब्यूटाइल एसिटेट टेस्ट और MEK सॉल्वेंट टेस्ट। इस टेस्ट का इस्तेमाल आम घरेलू क्लीनरों में पाए जाने वाले ब्यूटाइल और MEK सॉल्वेंट जैसे केमिकलों के प्रति एशियन पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर के बेहतरीन प्रतिरोध को उजागर करने के लिए किया जाता है। टेस्ट के परिणाम से यह साफ पता चलता है कि कंपिटेटर प्रोडक्ट से कोटेड सतह एशियन पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर से कोटेड सतह की तुलना में काफी अधिक प्रभावित है। दाग प्रतिरोध टेस्ट। हम लोग सबसे पहले बॉल पॉइंट इंक द्वारा, उसके बाद एक परमानेंट मार्कर द्वारा एशियन पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर के कंपिटेटर प्रोडक्ट के साथ उसके दाग प्रतिरोध की तुलना करते हैं। हम देखते हैं कि एशियन पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर पैनल पर बिना कोई निशान छोड़े दाग साफ हो जाते हैं, जबकि कंपिटेटर पैनल पर फिर भी थोड़ी सी स्याही के निशान रह जाते हैं। सिगरेट बट टेस्ट। हमने एशियन पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर और उसके कंपिटेटर से कोटेड पैनल में से प्रत्येक पर एक सिगरेट बट डालकर टेस्ट किया। ये टेस्ट सतहों पर ताप के प्रभाव की जांच करने के लिए किया जाता है। हम देखते हैं कि एशियन पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर पर रह गए जलने के निशान कंपिटेटर की तुलना में नगण्य हैं। क्रॉस कट एडेशन टेस्ट। प्रत्येक तुलनात्मक प्रोडक्ट पैनलों पर एक क्रॉस के आकार का निशान लगाया जाता है और उसके बाद हम एक मास्किंग टेप के इस्तेमाल से चिप्ड या छिले हुए पेंट को उतारने की कोशिश करते हैं। एशियन पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर से कोटेड पैनल में कोई चिपिंग या पीलिंग दिखाई नहीं देती है। इससे साफ पता चलता है कि एशियन पेंट्स वुड टेक पॉलिएस्टर में उसके कंपिटिटर की तुलना में
काफी बेहतर एडिशन होता है। प्रभाव प्रतिरोध, एशियन पेंट्स वुडटेक पॉलिएस्टर और कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट कोटेड पैनलों पर धातु का एक भारी गेंद गिराकर प्रभाव प्रतिरोध की जांच की गई है। एशियन पेंट्स वुडटेक पॉलिएस्टर कोटेड पैनल पर कोई निशान नहीं बना है, जिससे प्रोडक्ट की बेहतरीन कठोरता का साफ पता चलता है। शीन टेस्ट, एक तैयार लकड़ी की सतह के शीन लेवल को एक ग्लॉसोमीटर के इस्तेमाल से मापा जाता है। एशियन पेंट्स वुडटेक पॉलिएस्टर के लिए उच्च ग्लॉसोमीटर रीडिंग कंपेटिटर प्रोडक्ट की तुलना में ज्यादा शीन को दर्शाती है। लगाने से संबंधित सलाह, बेहतर फिनिश के लिए कुछ उपयोगी सलाह। पिगमेंटेड कलर्ड फिनिश पाने के लिए एशियन पेंट्स वुडटेक पॉलिएस्टर बेस में एशियन पेंट्स वुडटेक पॉलिएस्टर कलर्ड पेस्ट डालें। सफेद रंग की फिनिशिंग के लिए 8-12% और काले रंग और अन्य रंगों के लिए जैसे नीला, लाल, पीला, हरा, बैंगनी और मजेंटा के लिए 4-8% और कैटलिस्ट और एक्सेलरेटर डालने से पहले अच्छी तरह मिलाएं। इंसुलेटर के भारी डेपोजिशन या निक्षेप से बचें। डेपोजिशन को मापने के लिए WFT मेजरिंग टूल का इस्तेमाल करें। प्रत्येक कोट के लिए 200 से 250 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के बीच पेंट का इस्तेमाल करें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए बिना किसी को छोड़े सैंडिंग करके सुझाए गए सैंड पेपरों के सभी अनुक्रमांकों का इस्तेमाल करें। सतह को एक समान रूप से बफ करें। विशेष क्षेत्रों में भारी बफिंग के फलस्वरूप डीलैमिनेशन हो सकता है। एशियन पेंट्स वुडटेक पॉलिएस्टर को तेल, वार्निश या इसी तरह की अन्य चीजों से प्रदूषित ना करें। यदि सामग्री का बहाव अच्छा ना हो तो 10% तक एशियन पेंट्स वुडटेक पॉलिएस्टर थिनर या एसीटोन डाला जा सकता है। लगाने के तुरंत बाद NC पेंट थिनर, PU थिनर या एसीटोन का इस्तेमाल करके स्प्रे गन और अन्य डिवाइसों को साफ करें। सुनिश्चित करें कि स्टोरेज और लगाने का काम हवादार क्षेत्रों में किया गया है। ध्यान दें कि बेस और हार्डनर को सील खोलने के एक सप्ताह के भीतर इस्तेमाल कर लेना चाहिए।